अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस काविया की लीड चेंज करने का तरीका आप दोस्तों को बताएंगे। इस काविया की लीड ख़राब हो गई है, आपके घर में भी काविया है और उसका लीड ख़राब है, तो उसकी वायर किस तरह चेंज करेंगे। तो चलो तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ये पेच खोल लेने। तो दोस्तों मैंने इसके तीनों पेचों को रिमूव कर लिए और एक पेच इसका यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी रिमूव कर लेना है। तो इस तरह खींच लेना, ये निकल आएगा। जैसे निकल आएगा इसके, देखें दोस्तों इसका ये किट लगा हुआ है, इसके अंदर इसके टांके लगे हुए हैं। इसके टांके खोल कर नई लीड इसी तरह लगा कर इसके अंदर टांके लगा लेना। तो इसकी लीड मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने ये लीड परचेस कर ली है। इस लीड को यहाँ से एंटर कर लेना है पहले। ये देखें दोस्तों, ये बहुत आसान काम है, ये काम आप दोस्त घर में ख़ुद भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं इसके टांके लगा रहा हूँ। तो जो तार जहाँ से उतारी हो उसी जगह पर इसको फिक्स करना होता है। उम्मीद है सब दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो दोस्तों, इसका एक टांका लग गया है। तो दोस्तों इसके दोनों टांके लग गए हैं। इसकी मुकम्मल फिटिंग आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये मुकम्मल किस तरह फिट होता है। तो दोस्तों अब इसको इसके अंदर, इसके कवर के अंदर, ये जो इसका कवर है इसके अंदर इसको धकेल देना है, ये पैच को पैच वाले साइड के साथ लगा कर और इसको इधर फिक्स करके इसको फिट कर देना है। पेच इसका फिट हो गया है, अब इसके ये वाले पेच फिट करते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप दोस्तों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा काविया ख़राब हो गया और इसका लीड ख़राब हो गया। इन पेचों को अच्छी तरह टाइट करें ताकि बाद में आप दोस्तों को जब इस काविया को गर्म करेंगे, हीट अप होता है, तो ये इसके अगर ये पेच ढीले होते हैं तो इसका निकलने का ख़तरा होता है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको पहले से अच्छी तरह टाइट कर लें। तो दोस्तों अब इसको हम फाइनल चेक करते हैं कि ये काम करता है कि काम नहीं करता। 220 में प्लग इन कर दिया है। जी तो दोस्तों, इस काविया को अब फाइनल चेक करते हैं कि इसकी इंडिकेटर लाइट तो ऑन हो गई है, लेकिन इसका टांके चेक करते हैं कि ये काम करते है कि नहीं करता। तो दोस्तों हमारा काविया बिल्कुल रेडी हो गया है, सिर्फ एक लीड की दूरी पर हमारा काविया रेडी हो गया। नया काविया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही वाला काविया लीड लगाने से रेडी हो जाता है। दोस्तों हमारा काविया अच्छी तरह काम कर रहा है, ये देखें दोस्तों अच्छी तरह टांके लगा रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पेंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।